है दोस्तों, कैसे सब बढ़िया हो? तो मैं चुका नई वीडियो देखा गया आ चुका है हम जोर जो पोल सोल वर्सेस कोड अगेन। और भैया अब लूट पार्टी कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है भैया कंटेनर पर भटकना पड़ता है बहुत ज्यादा। मतलब कभी कभी किस्मत होती है तो मिल जाती है भैया बंदूक, जैसे कि अब मिल गई AKM। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वेस्ट वगैरह भी लेके थोड़ी मतलब एक दो गन और मिल जाए जब चलते हैं, तो लूट लेते हैं यार। तो यहाँ पे मैं यार मिनी फैक के DP ले लेता हूँ, मेरे को DP मिल जाती है और मैं यहाँ पे TP लेने लगता हूँ। और मस्त मेरे को बंदा दिखता है तो उसको निपटाते हैं हम। और वो बंदा यार यहाँ पे मतलब दो जो स्क्वाड है उनके बीच में फाइट चल रही है, तो यार मैं बीच में आ चुका हूँ। और देखो भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है तो तुम्हें मतलब और किल्स भी करना है, तो ये चीज़ तो भाई करनी पड़ेंगी, ठीक है? नहीं तो ऐसा तो तुम बचोगे नहीं। और हाँ यार बीच में मत कूद पड़ो कभी भी, ध्यान से खेलो, स्टेल्थ खेलो, मतलब हमेशा मतलब ऐसा रहो कि बंदों को जब आप मार दो उसके बाद पता चले आपकी लोकेशन, पहले थोड़ा सा अवॉइड करो हल्की सी। तो ये बंदा यार यहाँ पे खड़ा था, मस्त TP प्लेयर था ये भी, मतलब क्योंकि एक फर्स्ट वेयर हाउस में बंदे हैं कुछ, दो बीच वाले में और कुछ भैया लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले में जो बंदा है वो थोड़ा लो है, और वो अभी भाई पूरे कॉन्फिडेंस में था कि मतलब लो हेल्थ में मार दूंगा, लेकिन यार बेचारा यहाँ पे मैं DP के उसमें एक ही गोली रखता हूँ, मतलब एक ही गोली पड़ती बेचारा खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो अब मैं यार वेयर हाउस में आता हूँ, मुझे लगा इस वेयर हाउस में कोई बंदा है यार, क्योंकि पबजी वालों ने साउंड थोड़ी सी अजीब कर दिया, मतलब थोड़ी मतलब ये नहीं पता चलता मतलब डिस्टेंस कितना है मेरे और बंदे के बीच में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसमें तो कोई था नहीं, लेकिन हाँ इस वाले में एक बंदा है और मेरे को पता चल चुका था वो TP प्लेयर है। और मैं जल्दी से क्राउच एंड शूट करके मारता हूँ और मतलब रिस्क ही लेता हूँ, लेकिन हाँ यार हो जाता है जो होना होता है। तो उसका बंदा भैया मैं खत्म कर देता हूँ बिल्कुल, और वो भैया मिर्ची लग जाती है उसे पूरी कि मेरे दोस्त को मार दिया, तो वो पूरे उसमें। तो मैं पेन किलर फेक करता हूँ यहाँ पर फिर अगेन, क्योंकि मेरी हेल्थ फुल है, फेक पेन किलर इसलिए जिससे कि वो कुछ करे और भैया वो स्मोक फेंकता है और इधर रख हम उसे मार देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं मर सकता था, इसने यार इसने मतलब इसकी एक ही गोली छुई मेरे को, लेकिन वही हेडशॉट पड़ गया यार। और तुम्हें पता है 7.62 M762 ले रहा था ये, तो 7.62 की यार गोली जब लगती है हेड पे मतलब तो बहुत ज़्यादा तकड़ा डैमेज होता है। तो अब ये बंदे यहाँ कूदा फांदी कर रहे हैं, इनको नहीं पता मैं यहाँ पे था, तो इसको मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार नीचे कूद जाता है। तो इसका दूसरा बंदे पे UMP है और भाई वो मतलब मारने की कोशिश करता है मेरे को और फिर चला जाता है अपने बंदे को बचाने के लिए। तो वो यहाँ पे थोड़ी कोशिश और करेगा मेरे को मारने के लिए, जैसे कि तुम देख रहे होंगे मतलब वो रिवाइव ही नहीं कर रहा मारने के फुल मूड में। तो यहाँ पे यार एक बंदा है इसमें जो बैठा है, और भैया यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लिच यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब यार मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती, मतलब यार जब उसकी टपली दिख रही थी तो मैंने फोड़ दी, तो अब देखो उसकी टपली कैसे दिखेगी मुझे। तो गाइस बताओ ये वाला ग्लिच किसी ने यूज़ किया है किसी के साथ, मतलब कौन कौन ऐसे मर चुका है? तो कई बार होता है यार, कभी भी मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि दीवार की तरफ को मुंह मत करो अगर रिवाइव होना है आपको, नहीं तो आपकी ऐसी खोपड़ी दिखेगी और कोई खोल देगा भाई। तो अब यहाँ पे यार कुछ बंदे ड्रॉप लूटने आए हैं और वो डाचा में मतलब जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ मैं स्प्रे नहीं कर सकता क्योंकि एक तो मैं प्रोन नहीं हूँ, ऊपर से फुल 6x है भाई, तो इस पर तो घंटा कुछ नहीं होगा। तो मैं टैप टैप करके उसे नॉक कर देता हूँ। तो यार पीछे से कोई मेरे पे स्नाइप कर देता है और उधर से मतलब वो बंदा भी बदला लेगा, वो तीन बंदे हैं। तो इस पे AWM में कोई बंदा है ये, और ये चला जाता है बाद में। तो यार लास्ट में ना बहुत तगड़ा वाला सीन हो जाता है, तुम देखना भी मतलब ओपन में क्या मतलब होता है, मज़ा आएगा तुम्हें देखने में। तो यार मैं गाड़ी उठाता हूँ और भैया सीधा उसमें ठोक देता हूँ, क्योंकि वो बंदा नोकता हीलिंग वीलिंग करेगा कुछ भी करेगा चाहे, तो मेरे पे यही मौका है कि जल्दी से जाकर ठोक दो। वैसे रिवाइव तो हो गया होगा, हीलिंग कर ही रहा होगा या फिर अभी अभी हुई होगी कंप्लीट, तो इतना मतलब वो नहीं होगा, प्लस स्मोक हो रखा है तो इतनी दिक्कत की बात नहीं। तो एक बंदा यार मेरे को ऊपर दिखता है, मैं इसको मारता हूँ, और फिर एक बंदा भाई यहाँ पे है, तो मैं जल्दी से प्रोन होकर शूट करता हूँ। गाइस देखो प्रोन एंड शूट सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, कसम से इतनी बार बचा चुकी है मेरे को मतलब सिचुएशंस में जिसकी कुछ हद नहीं है भाई, सच में बहुत बार बचाया भाई इसने मेरे को। तो यार ये ट्राई करो प्रोन एंड शूट वाला, मतलब बहुत OP चीज़ है यार सच में। तो इसकी वजह से मैं यहाँ भी बच गया, अगर मैं खड़ा रहता उसमें मारता रहता अंधाधुन, क्योंकि मेरे को पोजीशन तो पता नहीं थी, मैं साउंड के जरिए मार रहा था, मतलब पहले मैंने देख लिया था एक बार। तो प्रोन एंड शूट यार काफ़ी तगड़ी चीज़ है गाइस, ट्राई करो। तो यार यहाँ पे एक बंदा है भाई, उसको मैं नॉक करता हूँ, लेकिन उसका दोस्त भैया पूरा गुस्से में जाता है और मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ हड़बड़ी में, लेकिन जल्दी से निकलता हूँ बाहर। और यहाँ पे मैं स्नेक बन जाता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं खड़ा रहता भाई उसकी पोजीशन पता नहीं, वो मेरे को मार देता गारंटी। तो अब यार वो भक्के आता है क्योंकि जोन आ चुकी है, और मतलब इस मूड में होगा कि मार वार देंगे जो भी करना था बेचारे का, कोई होगी स्ट्रेटजी। तो इसको भी मैं पूरा खा के और मैं जल्दी से निकल लेता हूँ भाई यहाँ से। तो कहीं यहाँ पे एक जीप सी आ जाती है और भैया यहाँ पे आके रुकने लगती है, तो मैं इनका समझ चुका हूँ ये फुल मूड में थे यहाँ पे आके सांप बनने के लिए, क्योंकि ये जो जंगल है गटका के पास भाई ये फेवरेट जगह है सांपों के लिए, यहाँ पे इतनी सारी घास पेड़ वेड़ है भाई, यहाँ तो दिखने का मतलब ही नहीं है कुछ।
तो यार मैं उन पर रश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो मैंने उनमें मतलब गाड़ी भी ब्लास्ट कर दी, एक नोक भी है, तो देखते हैं यार ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि यार वो ये ना लास्ट में जितना छोड़ूंगा उतनी मेरे को दिक्कत, और वैसे भी यार ओपन में जोन बनेगी इसमें, तो देख लेना क्या होगा। तो अब भैया मैं यहाँ पे आता हूँ, और एक बंदा भैया पीछे बम फेंक रहा है, और जैसे ही वो गन निकालता भाई इतना तो मैं कर देता हूँ काम। तो यहाँ पे यार पिन खींचने की आवाज़ आती है मेरे को, और मैं जल्दी से भाई पीछे मुड़ के मार देता हूँ, ये बम फेंक रहा था, और जैसे इसका मतलब बम फेंकता है जल्दी से गन निकालता है, लेकिन इतना मैं घूम कर मार देता हूँ। तो इससे मेरे को ग्रोजा मिलती है, लेकिन मैं बिना रिलोड करते भाई भाग जाता हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने सांप पड़े होंगे वहाँ, भाई कुछ भी हो सकता था, और भाई सांपों से तो बहुत ज़्यादा खतरा है मेरे को। तो यहाँ पे एक बंदा भाई पीक कर रहा है मेरे को, क्योंकि उसे पता चल चुका मैं इधर आ चुका हूँ, तो जल्दी से डीपी का चाटा देते हैं उसे, और चलते हैं भाई रश करने। तो यहाँ पे मैं होली करता हूँ, और देखना गाइस क्या होगा। भैया ये आ जाती है उधर से कूद के, मतलब सीढ़ियों पे गिर जाती है, सोच रहे हो मतलब कहाँ से कहाँ चली गई भाई मोली। तो अब यार एक और करनी पड़ेगी, क्योंकि मोली मेरी मतलब मुझे फेवरेट लगती है, मतलब नेट से ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे मोली, क्योंकि मोली ऐसी भैया जला देती है कसम से, और एक दो बंदे कितने भी, और ऐसा भी हो जाता है ना कई बार मतलब भगता रहेगा बंदा फिर भी जलता रहेगा, तो ये बंदा जलता ही जा रहा था बेचारा, उसकी बहुत कम हेल्थ थी बेचारा, कुछ कर ही नहीं पाया, और निपटा देते यार आराम से इसे। तो यहाँ पे यार एक बंदा प्रोन होकर किसी को मार रहा था बहुत ज़बरदस्त, तो इसका पूरा ध्यान वहाँ था, और मैं इतने में मतलब चार पांच गोलियाँ इसमें मारता हूँ, और बंदा भाई मर जाता है फुल, मतलब लास्ट ही बच रहा होगा, या फिर सोलो से स्कोर खेल रहा था क्या सीन था। क्योंकि तुम्हें पता है यार दूर से ना घास रेंडर नहीं होती, और मस्त दिखते हैं सांप लेटे हुए। तो अब यहाँ पर मैं स्मोक कर देता हूँ बग्गे के पास, क्योंकि यार मेरे को जाना था जोन में जो कि काफ़ी दूर है, और ओपन में जाना भाई सच में। तो यार पीछे कोई डीपी वाला लेटा, और भाई वो मेरे पर मतलब थोड़ा एक गोली देता है, मतलब फिर मैं लेट जाता हूँ इसलिए वो और नहीं गोली चलाता। और यहाँ पर भी मैं जोन में हूँ, लेकिन अभी जोन से बाहर हो जाऊँगा जब भी गलती होगी मेरे पे, तो मतलब मेरी गलती मानो या फिर अभी मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है सांप बन के खेलने का, मतलब जोन में जाओ ये करो वो करो, लेकिन धीरे धीरे कर लेंगे मुझसे भी मास्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बंदा डीपी वाला यार लेटा है, एक तो लेट के डीपी चलाते ना भाई इसमें स्टैंड, वैसे डीपी में लेट के भाई लेजर चलती है कतई, M249 डीपी, MK14 भाई बिल्कुल लेजर चलते हैं, क्योंकि इनमें है स्टैंड। तो अब यार वो बंदा इसको खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसे किल चुरा लेता हूं। तो एक बंदा और आएगा भागा भागा बेचारा जोन से, और वो इसको भी मारने की कोशिश करेगा डीपी वाला। तो जैसे कि तुम देख रहे होंगे भाई निशान आ रहे होंगे तुम्हें मैप में अगर आवाज नहीं सुनाई दे रही हो, तो इसको भी हम मार देते हैं जो दूसरे को ये मारना चाह रहा था। तो यार डीपी वाला अब भी बच रहा है, और तुम गाइस मेरे को बताओ भाई कहां है वो। तो नहीं दिख रहा भैया मेरे को, मैं तो बहुत देख रहा हूँ, और यार गेम में जब सिचुएशन में होते हैं ना तो एक दो चीज़ मिस हो जाती हैं। तो पिछले वाले वीडियो में वो मेरे को भी दिख गया था रिकॉर्डिंग में, लेकिन पहले नहीं देख पाता। अगर गेम खेलते हैं तो अलग मतलब सीन होता है, थोड़ा प्रेशर सा होता है ना, उस चक्कर में नहीं देख पाते, लेकिन रिकॉर्डिंग में आप मस्त देख सकते हो भाई क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यार मैं उस पर नेड करने की कोशिश करता हूँ, एक तो लो टॉस में गलती से कर देता हूँ मैं, लेकिन फिर मैं हाई टॉस करके भी फेंकूँगा, कि क्या पता यार लग जाए उसमें, लेकिन यार नहीं लगता, किस्मत ख़राब थी यहाँ पर। तो देखते जाओ भाई पीछे से भी कोई गोली चलाने लगा था मेरे, मतलब मेरे को देख लेता, लेकिन किसी और बंदे ने उसको मार दिया। तो यहाँ मैं सोचा था भाई यहाँ पे चला जाऊँ पीछे से, वो नहीं मार पाएगा मेरे को, लेकिन यहाँ यहीं गलती हो जाती है मेरे पे, मतलब आगे से ये बंदा मार रहा था, पीछे से भैया ये रहे हमारे सपेरे भाई, तो कर दी भाई गलती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 22 किल था भाई, मैं तो खुश हूँ पूरा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको पसंद आए वीडियो लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और गाइस कमेंट करके जरूर बताओ सांप बनना ठीक है या नहीं लास्ट जोन्स में।